वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज है, मेरे को डेट नहीं पता, 18 तारीख है शायद, 18 दिसंबर, और सुबह के बज रहे हैं लगभग 8:30। और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि बाहर उस वाली बालकनी में धूप आती है, तो इसे कुछ बिछा के हम चाय वहीं पिया करेंगे। और छोटू की भी धूप की मसाज जाएगी, उसकी एक गुदड़ी है जो आंटी मसाज के लिए यूज़ करती थी, उस गुदड़ी को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बस कुछ ऐसा ढूंढ रही हूँ जिसपे हम बैठ सके, चटाई बिटाई या दरी वरी। अलमारी तो मैंने अरेंज कर दी थी थोड़ी बहुत, लेकिन इधर बुरा हाल है, इधर और भी बुरा हाल है। ये आज मोस्ट प्रोबेबली करेंगे, इनमें से कौन सी दरी मैं यूज़ कर सकती हूँ। एक दरी कर लेते हैं बाहर की, ये कर लेते हैं, मोटी भी है, धुल जाएगी दरी का क्या है। चलो उठो, मैं यहाँ बिछाती हूँ। हे गुड मॉर्निंग गाइस, आज सुबह हम लोग यहाँ बैठे हैं बाहर। एक्चुअली ये यही है हम जहाँ पे हम लोग हमारे कपड़े वपड़े सुखाते हैं, आज यहीं बैठे हैं। ओए व्लॉग चालू हो गया, दोस्तों को गुड मॉर्निंग कर दो, कर दो कर दो कर दो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज प्लीज। फोन की डस्ट लग गई है, देखो गाइस, फिर भी हम व्लॉग कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब। रुक नहीं रही बाहर थोड़ा, बेबी को धूप दे रहा था मैं, लेकिन पता नहीं बेबी आज कंफर्टेबल नहीं थी मेरे साथ में धूप लेने में। तो मम्मा आई है, मम्मा ने अब वो क्या बोलते हैं, कमांड संभाली, और बेबी रेडी है धूप लेने के लिए। यश या तो मम्मी से डरता है और पापा से डरता नहीं, पापा को इंसाफ नहीं देता, या फिर कोई और ही बात है। और यहाँ हमारे घर के सामने यहाँ पे 5-10 दिन पहले धरती पूजन हुआ था, और आज काम चालू हो गया है। और इन लोगों ने ना यहीं पास में, मतलब ये बना रखा है, एक कच्चा ढांचा बना रखा है, इसमें ईंटें और रेती वेती रखते हैं। एक्चुअली मैंने ये सिस्टम है ना अभी बड़े शहरों में ही देखा है, लेकिन हमारे चित्तौड़ में गांव की साइड में ये नहीं होता। वहाँ पे मतलब हम कहीं भी बाहर डलवा देते हैं, है ना, मतलब सीमेंट पड़ी तो सीमेंट के कट्टे पड़े हैं, मतलब सीमेंट के कट्टे तो नहीं, सॉरी, सीमेंट के कट्टों की तो चोरी हो जाती है। ईंटें पड़ी हैं, बजरी पड़ी है, रेती पड़ी है, कुछ भी पड़ी है, लेकिन कंकर होंगे पड़े, कोई कुछ नहीं ले जाता। लेकिन यहाँ शहरों में लोग इस चीज़ की सेफ्टी रखते हैं, शहरों में चोर ज़्यादा होते हैं किधर। और तो और बकायदा इन्होंने गेट लगा रखा है और लॉक और करके जाते हैं। ये औरत बाहर बैठ के मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ भड़का रही है, तो मैंने भी अपना पतला ले लिया है, पूरी तैयारी कर ली है। जब ये देखी ना मैंने क्या किया इसके साथ, तो रूह कांप जाएगी इसकी। ये है मेरी चाय भरी हुई, और ये है इसकी चाय, आधा कप भी नहीं है। ये बहुत अजीब है यहाँ पे चाय पीना। बेबी को मैंने नंगो नंगो में रखा है थोड़ा, बेबी नंगो नंगो नहीं आ रहा व्लॉग में, तुम तुम्हारी चाय तो देखो एक बार। अरे नीच आदमी, तेरा एक कप है ही नहीं, तेरे पाप लग जाएगा अगर वो तू पी नहीं सकती ना किसी और के कप में, तुम्हारे औरतित्व को। ओए ये क्या कर रही है, क्या, अरे गंदे आदमी। इस पतली सी स्लिम ट्रिम औरत का इंसाफ देखो, इधर इतनी जगह छोड़ के बैठी है और मेरे लिए ये जगह रखी है, और बोलती है कि अपन लोग बाहर ही बैठ के चाय पियेंगे। लास्ट टाइम पौधों में पानी कब गया था, पता नहीं, एक साल पहले डालता, तुम तो डालते रहते हो, मैं डाल के आता हूँ। एक्चुअली जिम्मेदारी वाले काम आदमियों को ही करने चाहिए, औरतों के बस का कुछ नहीं है, बस घिनाती रहती हैं, ये कर लिया वो कर लिया, बाकी कुछ करती हैं क्या, आदमी करता सब कुछ। सारे पौधे डल से पड़ गए हैं, लेकिन में पानी नहीं गया, मेरे हिसाब से मे भी 1-1.5 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। अच्छी खासी है, तो मैं इसकी सोच रही हूँ मसाज ही कर दूँ, तो इसको भी अच्छा लगेगा। और क्या हुआ, मेरी अलमारी नीचे वाली मत देखो, सबसे पहले बेबी के कपड़े जाऊंगी। ये मैंने मंगाया है, एक नई चीज है जिसका मैं यूज बताती हूँ आपको। सो गाइस, अभी जो मैंने पहन रखा है ना, ये मेरे एक अजीब सा स्वेटशर्ट है, नीचे से खुला हुआ, मतलब देखो कैसा खुला हुआ है ना, तो ये मैंने एक्चुअली पूरे एक साल बाद पहना, और पहले मेरे को टाइट आता था, और अभी मैं अपने आप को पहले से मोटा फील करता हूँ,
और ये मुझे आराम से आ गया, मतलब कमाल की बात है। तो अभी घर में दूध नहीं है चाय के लिए, और मुझे वैसे तो बहुत आलस आ रहा है बाहर जाने में, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा कि चाय इज एवरीथिंग फॉर माय वाइफ, शी कैन इवन किल मी फॉर दैट। देखो उधर ये छोटे शेर को गुस्सा आ जाता है ना। हाँ नहीं, इसको भी चाय चाहिए, चाय अभी तक नहीं बोली, मैं सूंघूंगी चाय। चाय का नशा करता है सूंघ सूंघ के। हाँ चाय वाला दूध आज फ्लेवर नहीं आया मम्मा, रात तक आ जाना चाहिए। बॉप नहीं कर रही सोने के चक्कर में फिर आ रही है। मेरे बीबी को मेरे घर में आते पता लग गया था मैं घर में हूँ, पापा को आवाज लगा रहा है वो। ये देख लो गाइस, अंकिता तुम चाहो तो अपने पैरों की तरफ देख सकती हो, तुम चाहो तो अपने पैरों की तरफ देख सकती हो बंधु। ये औरत लगी हुई है मोबाइल में, मूवी देख रही है। ये मूवी है द साइलेंस टू, डोंट ब्रीथ। हाँ डोंट ब्रीथ टू। ये वाइल्ड क्राफ्ट जैसे छोटे मोटे गेम्स खेलती है मेरी बीवी। जल्दी इसको स्ट्रीम भी करेगी। ये ना ये बेबी के छोटे छोटे कपड़ों के लिए सही है, बार बार भीग सो जाते हैं यार। हाँ तो मैं इसको इग्नोर करो इस मैस को, मैंने बेबी के कपड़े पूरी तरह से अरेंज कर दिए। ये इसके टॉवल्स हैं, देखो इधर देखो कितना अच्छा लग रहा है। दिखा रहा हूँ पजामियाँ, वंजीज पजामियाँ, ऊनी टोपे, सूती टोपे, बनियाने, इनर, फुल स्लीव की टी शर्ट्स, ऊपर ऊपर टॉवल, क्योंकि सुबह ऊपर धोने लाते हैं तो पानी छोटा। और ये मैंने मेरा अरेंज किया इधर अंडर गारमेंट्स है, बट बास्केट से ऐसे अरेंज किया अच्छे से। इसमें मेरे को पूरा टाइम खोटे हो गया। और ये वाला आप देखो, ये इसके खिलौने में अच्छे से अरेंज। ये मेरे कीड़े से बच्चे का कीड़ा। तो ये बेबी की वो रोजे कलर छोटी जिसमें मिटेंस, ये फर्स्ट ट्राई से मंगाई थी मैंने, बहुत ही अच्छी आई, 200 रुपये की लगभग थी पर बहुत अच्छी। ये इसमें टॉवल्स रखी हुई है, इसमें गोल गोल बनिया तो किनारे से हैंड टॉवल्स रखे हैं, ये बेबी के पोतड़े वोतड़े शीट्स वगैरह। और ये हाथी है ना उसके लिए अभी डी मार्ट गए थे ना, तब लेके आए थे, गाड़ी में लटकाएंगे ताकि गाड़ी में वो जाए ना तो बोर नहीं हो।